तो दोस्तों, अब हमारी बुलेट ट्रेन के लिए वो समय आ चुकी है जहां पर जापान की काफ़ी ज़्यादा कोर शिंकनसेन टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी। और इसके लिए जापानीज कंपनी जापान हाई स्पीड रेल इलेक्ट्रिक इंजीनियर, जिसे जीईवी कहा जाता है, इनको अपॉइंटेड कर दिया गया है और अब ये लोग आगे का काम संभालेगा। अभी ये कोर टेक्नोलॉजी इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो भी चीज़ जापान में इम्प्लीमेंट किया जाता है, हर एक चीज़ रिलेटेड टू सेफ्टी एंड पंचुअलिटी, ये सब सुनिश्चित किया जाएगा हमारी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर। अब ये जो जापानीज टेक्नोलॉजी है जीई, ये एक्चुअल में जापानीज गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड एक स्पेशल पर्पस कंपनी है जो कि अभी भारत में काम संभालेंगे। रिलेटेड टू ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, फिर डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया जाएगा, प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो E1 पैकेज के तहत बुलेट ट्रेन बनाने का है, ये सारा काम अब भारत में जल्दी शुरू होने वाला है। पहले कुछ ट्रेन जापान से ही इम्पोर्ट किया जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर सारा बुलेट ट्रेन हम भारत में मैन्युफैक्चर करेंगे। करंटली प्रोग्रेस की बात करें तो टारगेट यहां पर किया गया था कि हम जनवरी 2023 तक 30% काम कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो आंकड़े निकल कर आया है वो जरा कम है, 25.63%, तो 4.37% हमें शॉर्टलिस्ट फेस करना पड़ रही है। और इसकी वजह से काफी एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि अगर हम ये आगे चल के हमने जल्दी शॉर्ट आउट नहीं किया तो जो हमारे टारगेट था 2027 वो भी हम मिस कर सकते हैं। खैर, अब इस कोर जापानीज टेक्नोलॉजी का बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है सेफ्टी रिकॉर्ड के मामले में, बिकॉज जापान पिछले 55 सालों से बुलेट ट्रेन चला रही है और उनके यहाँ पर एक भी अभी तक कोई ट्रेन एक्सीडेंट रिकॉर्ड नहीं किया गया है, बिकॉज इसमें लगी है कुछ इस तरह की एडवांस क्रैश अवॉइडिंग सिस्टम, फिर ऑटोमेटिक ब्रेक एप्लीकेशन जो कि ओवर स्पीड होने पर खुद ही ट्रेन स्पीड को कम कर देता है। अब हमारी बुलेट ट्रेन काफ़ी सारी वल्नरेबल सेस्मिक जोन से भी गुजरेगी, जैसे कि कच्चा का रीजन हो गया, फिर लातूर उस्मानाबाद। सो ऐसे समय में यहाँ पर अर्ली अर्थक्वेक डिटेक्शन सिस्टम जो लगाया गया है वो बुलेट ट्रेन को पूरी तरह से सेफ बना देगा। सो फाइनली इन कोर टेक्नोलॉजीज की दम पर हमने जो नई कॉरिडोर सेंक्शन किया है, तो यहाँ पर एक्सपेक्ट करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा।